सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ सोल शॉट फायरिंग रेंज और हम आज यहाँ अलग अलग गन्स के साथ शूटिंग करेंगे। तो सोल शॉट फायरिंग रेंज एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग रेंज है जहाँ आप ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के 10 मीटर पिस्टल और राइफल इवेंट्स के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये जगह कुछ दिन पहले ही फिर से पंजाबी बाग क्लब के नॉन मेंबर्स के लिए शुरू हुई है, जहाँ आप ही आकर अपनी शूटिंग स्किल्स चेक कर सकते हैं। बाकी इस फायरिंग रेंज की लोकेशन पंजाबी बाग क्लब की मेन बिल्डिंग के बेसमेंट में है और यहाँ की टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की है। शूटिंग करने की फ़ीस की बात करें तो 20 शॉट्स के 300 रुपये, 30 शॉट्स के 400 रुपये और 40 शॉट्स के 500 रुपये हैं, लेकिन आपको इसके साथ 50 रुपये और देने पड़ेंगे अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं तो। बाकी फ़ीस आप यहाँ आकर दे सकते हैं या चाहें तो ऑनलाइन बुक माई शो ऐप से भी दे सकते हैं। और शूटिंग करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप शूटिंग करने में काफ़ी माहिर हैं तो आप यहाँ के मेंबर भी बन के प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसके चार्जेस के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। बाकी यहाँ शूटिंग के लिए 0.177 कैलिबर के पैलेट्स यूज़ किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल यहाँ एयर राइफल और एयर पिस्टल इवेंट्स में होता है। और ये आपकी मर्ज़ी है कि जितने भी शॉट्स आप लेना चाह रहे हैं उनमें से कितने राइफ़ल के हों और कितने पिस्टल के हों। तो यहाँ शूटिंग करने से पहले यहाँ के ट्रेनर्स आपको पहले ही गन चलाना सिखा देंगे ताकि आप बाद में आराम से शूटिंग कर सकें। तो चलिए अब मैं और मेरे फ्रेंड आपस में कम्पीट करके शूटिंग करना शुरू करते हैं। ये 10 में ये 10 है, कौन सा 10 है? ये 9 में लगा है। अच्छा, मतलब 9 वाले, ये वाले रिंग है, ये 10 है, ये मतलब 9 वाले में है। हाँ। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? एयर पिस्टल। अच्छा, ये एयर राइफल है, ये राइफल है। अच्छा, 10-10 इससे और 10 उससे। हाँ ठीक है। मिलता बहुत ज़्यादा। ये मेरे यहाँ अब इसकी बारी है। मेरा भी आपको जैसे ही लगा 8 में लगा, थोड़ा सा बीच में पहला। हाँ 9-9-9। Okay.
इससे तो गोल्ड ही नहीं मिल रहा जी. वेरी गुड. एंड ओ अब बीच में चला गया. तो 10 शॉट्स के बाद मेरे फ्रेंड का स्कोर था 83 और मेरा स्कोर था 77, जिससे एयर राइफल इवेंट वो जीत गया. अपकमिंग शूटिंग स्टार ऐसे बनेगी, बिल्कुल सीधा खड़ा होना, ज़्यादा पैर नहीं खोलने, एक हाथ जेब में ना, ये स्टैंड करके इस तरह से. थोड़ा समझ नहीं आ रहा है ठीक तरह से कैसे इसमें से देखो क्या इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. अच्छा, और ना नीचे. हाँ, वो तो मैच कर रहा है पूरे पूरा मैच. मैच हो गया फिर ये आएगा यहाँ पर 6-7 ठीक है. और ना अब दूसरे वो स्क्वायर के अंदर तो आया. पास हो गए, पास हो गए. ये अगर ज़रा सा भी डिफरेंस हुआ ना इन गैपों में तो शॉट वहीं और ही जाएगा. थोड़ा नीचे हम भरा तो वो खड़े हो गए सारे टेन पर. वो ब्लैक वाले में मारना बस हो जाएगा बस. ब्लैक में गया पहली बार ब्लैक में गया. नाइस. लास्ट शॉट. नहीं ये तो नहीं. हाँ मेरा पता नहीं क्या होगा. पिस्टल ज़्यादा मुश्किल है. दोनों आईज बजा ही नहीं बीच में. किधर गया? बस यही ज़्यादा थोड़ी समझ नहीं आता मार. ओहो अच्छा लगा. अच्छा दौड़ता है ठीक है. समझ आ गई इसको. नाइस
मार गया। ये वाला कब मारा तुमने? पता नहीं, ये वाला भी होगा इसका। नहीं, ये स्टार्टिंग वाला था, नंबर वन वाला शायद। फिर एयर पिस्टल में 10 शॉट्स के बाद मेरे फ्रेंड का स्कोर था 50 और मेरा स्कोर था 51, जिससे एयर पिस्टल इवेंट में मैं बस एक ही पॉइंट से उसे जीत गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी। बाकी जल्द ही मिलते हैं मेरे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका देखने के लिए धन्यवाद।